अच्छा आगे रेडी हो के? हाँ जल्दी बोलो, मुझे काम पे जाना है। देखो सुमी, तुम्हारा ये सब काम मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं, ना तो मुझे पसंद है, और तुम अपने इस काम के चलते ना मुझे टाइम दे पा रही हो ठीक से, ना मेरा कोई भी टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही हो। देखो इस काम की वजह से ही तो मैं अपना कॉलेज का फीस दे पाती हूँ, और मेरे घर पे भी तो पैसा भेजना पड़ता है। क्या पता कैमरे के आगे कुछ और चलता होगा और कैमरे के पीछे कुछ और। देखो अगर तुम्हें मुझे लेके कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम बता सकते हो, लेकिन मेरे कैरेक्टर को लेके कुछ मत बोलना। देखो एक चीज चूज करना होगा सुमी, या तो तुम अपने इस काम चूज करो या फिर मुझे। मैं अपने काम को चूज करती हूँ। यहाँ पे क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है? बीच सफर में जाना कर देना, जी भी न पाए किसी के बिना, क्यों इतना ज्यादा। What is this? क्या हो रहा है ये? मैं इसके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। शराफत है जान कैसी। यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है? तुम लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, और तुम लोग मेरे काम को लेकर सीरियस नहीं हो। ए लो पैसा लो, यहाँ से जाओ। किसी को कर देना बर्बाद, किसने दी इजाजत है, चाहे जितने कर लो पर दे ये बेमतलब। तुम्हारी वजह से मेरा काम चला गया, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम्हारी माँ तुमसे मेरी शादी करवाएगी, चलो शादी करते हैं। इश्क में आइंदा से तुम मेरे पास मत आना। किसी का दिल दुखाओगे तो दर्द तुम भी पाओगे, ना सिफारिश ना गुजारिश ना ही लिहाज करता है। शुमी इश्क में खुदा बराबर का हिसाब करता है, इश्क में खुदा हिसाब करता है। रो क्यों रही है? मेरा बॉयफ्रेंड का मेरे साथ झगड़ा हो गया शूट की वजह से। ये सब तो होता रहता है। तू एक काम कर, तू अपना करियर में फोकस कर, और ये सब साइड में रख। जब उसका गलती का एहसास होगा तो खुद आ जाएगा। ये सब रोना धोना बंद कर, कुछ नहीं होता ये सब। इश्क में खुदा बराबर का हिसाब करता है, इश्क में खुदा बराबर का हिसाब करता है। अबे रो क्यों रहा है? अरे कुछ नहीं भाई। अरे बता तो। अरे भाई तू सुमी को तो जानता ही है ना, और उसका वो सब काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम दोनों का एक झगड़ा हुआ है। एक भाई अगर तेरे को भूख लगेगा ना, कोई नहीं देने वाला 10 रुपए तेरे को खाने के लिए, उसका पेट ना खुद ही पालना पड़ता है। तो अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहती है, तो इसमें गलत ही क्या है? ये तो अच्छी बात है ना, वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। देख भाई तूने गलत किया है, सोच के देख, गलत कर रहा है तू। तू सही बोल रहा है, अब मैं क्या करूं? बीच सफर में जाना कर देना, सुमी मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने तुम्हारे काम को लगे मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी तुम्हारी गलती का एहसास होके क्या फायदा विवेक? मैं तुम्हें समझा रही थी तब तो तुम्हें समझ नहीं आया। तुम्हारी वजह से मेरा काम चला गया, मेरा करियर चला गया, सब कुछ चला गया, थोड़ी बोल के क्या फायदा?
ये बेनकाब करता है। देखो अभी पब्लिक प्लेस में सीन क्रिएट मत करो, छोड़ो मुझे। इश्क में खुदा बराबर का हिसाब करता है। किसी का दिल दुखाओगे तो दर्द तुम भी पाओगे। ना सिफारिश ना गुजारिश ना ही लिहाज करता है। इश्क में खुदा। अरे विवेक अब क्या हुआ भाई? तेरे समझाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए मैंने सुमी से माफ़ी मांगना चाहा, पर वो मेरा बात नहीं समझ रही, मुझे माफ़ नहीं कर रही है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ भाई कुछ कर। क्या विवेक ने सुसाइड कर लिया? क्या बोल रहे हो? क्या हुआ विवेक को? उसने सुसाइड कर लिया। कहाँ? इश्क में खुदा बराबर का हिसाब करता। भाई विवेक कहाँ है? ये सब हमारे दोस्त का प्लान था हम दोनों को एक करने के लिए। मैं मर गया तो तुम्हें क्या? मैं किसके साथ जीऊंगी? सफर में जाना कर देना।